तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी हरे टमाटर की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। तो ये हमने कच्चे टमाटर लिए हैं हरे वाले, तो ये आप देख सकते हैं ये हमने लिया है आधा किलो। तो इसे हमने अच्छे तरीके से धो लिया है, साफ कर लिया है और इसे सुखा लिया है। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं। तो ये लीजिए, सारे टमाटर को हमने इस तरीके से काट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, गैस पे हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो तेल को हम पहले गर्म होने देंगे। तो जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, जब तक हम मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए हमने एक कटोरा ले लिया इस तरीके से, और उसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इन सारी सामग्रियों को हम इस तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा पानी। तो हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया और इन सारी सामग्रियों को हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा को हम थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेंगे। 3-4 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, 4-5 हरी मिर्च डालेंगे। इन सारी सामग्रियों को इस तरीके से हमें चला लेना है। 2-3 प्याज डाल देंगे, प्याज को थोड़ा सा भून लेना है। तो ये लीजिए, प्याज भी हमारी अच्छी तरीके से भून गई है। तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना था, बस इतना ही भूनना था। और जो ये मसाला हमने घोल के रखा है, मसाले को डाल देंगे इसमें और मसाले को हमें अच्छी तरीके से पका लेना है इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो मसाला ऐसे भी डाल सकते हैं सूखा, लेकिन इस तरीके से अगर आप घोल करके डालते हैं मसाला तो जलता भी नहीं है और बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ से तेल निकलने लग गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला जो था अच्छी तरीके से पक गया है। हमें मसाले को इतना ही पकाना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये अपने कटे हुए टमाटर। सारे टमाटर को हमने डाल दिया और इसे हमें इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करना है। और अब हमें इसमें डालना है नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, लेकिन टमाटर डालने के बाद ही नमक आप डालें, क्योंकि नमक डालने के बाद टमाटर गलना शुरू हो जाता है। तो इसे आपको नमक टमाटर में ही डालिएगा तो बढ़िया रहता है। और अब हम इसे ढक देंगे इस तरीके से, ढक्कन से कवर कर देंगे, गैस को धीरे कर देंगे और बीच बीच में इसे खोल खोल करके हमें चलाते रहना है। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी पककर के तैयार हो गई है। तो इससे पहले हमने इसे 2-3 बार खोल खोल करके चला लिया था। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इसकी, तो हरे टमाटर की, तो आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। धनिया पत्ती डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पूड़ी या पराठे के साथ खा सकते हैं, बच्चों को लंच में भी इसे दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो अगर आपको हमारी सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।